नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में चयन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र कैंप लगाकर दिए जाएंगे। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कर नियुक्ति पत्र दिए जाने की संभावना है। दूसरे चरण में सफल अभ्यर्थियों को खरमास बाद यानी 15 से 20 जनवरी के बीच नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। पटना के गांधी मैदान के साथ जिला स्तर पर भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। पड़ोसी देश म्यांमार इन दिनों अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। असम राइफल्स के अधिकारी ने बताया कि एक सशस्त्र जातीय समूह ने सैन्य शिविरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद कम से कम 151 म्यांमार सैनिक भागकर मिजोरम के लोंगतलाई जिले में पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि म्यांमार सेना के जवान, जिन्हें तात मादाव के नाम से भी जाना, वे शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उनके शिविरों पर अराकान सेना के लड़ाकों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अपने हथियारों के साथ भागकर लोंगतलाई जिले के तुईसेंतलांग में असम राइफल्स के पास पहुंचे। बिहार के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को नए साल से नया टास्क मिला है। अब रोजाना शिक्षकों द्वारा ली जाने वाली कक्षा का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। एक फॉर्मेट को रोज भरना होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक किस दिन कौन कौन शिक्षक स्कूल आए और किसने किस घंटी में कौन सी कक्षा ली, इसकी जानकारी रोज दर्ज होगी। इसके लिए हर स्कूल में एक फॉर्मेट रहेगा, जिसे प्रतिदिन भरा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शनिवार 30 दिसंबर को सरकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए पीएसबी प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि बैठक के दौरान साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सेक्टर के खतरों से जुड़े मुद्दे उठाए गए। उन सभी मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने लोन बांटने से पहले के ड्यू डिलिजेंस, बड़े लोन अकाउंट के डिफॉल्ट और उनके कारण होने वाले असर पर भी चर्चा की। देश में नए वेरिएंट की दस्तक के बाद बिहार में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जिलों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पटना और मुजफ्फरपुर से आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं। अब गया में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। गया में 3 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। तीनों संक्रमित मरीजों की उम्र 20 साल से कम है, जिसमें एक लड़की और 2 लड़का शामिल है। संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। आज साल का आखिरी दिन है। कल से नया साल यानी 2024 शुरू हो रहा है। हर कोई अपने अपने तरीकों से नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में गूगल भला कहां पीछे रहने वाला था। गूगल भी अपना डूडल चेंज करके नए साल का स्वागत के लिए तैयार है। गूगल डूडल नए साल की पूर्व संध्या को हर बार एक उत्सवपूर्ण प्रदर्शन के साथ मनाता है। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी 23 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्मशती समारोह मनाएगी। आरजेडी का यह ऐलान जेडीयू द्वारा कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह को रद्द किए जाने के बाद आया है। आरजेडी की ओर से 23 जनवरी को पटना स्थित एसके मेमोरियल हॉल में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि वह भारत की मिट्टी के कण कण और जन जन के पुजारी हैं। मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट व अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की 15,711.42 करोड़ रुपए की कुल 45 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। नए साल में गरीब परिवारों को जीविकोपार्जन के लिए नीतीश सरकार बकरी देगी। इसका लाभ सभी वर्ग के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। सामान्य को 80%, SC/ST के गरीब परिवार को 90% अनुदान पर बकरी मिलेगी। इस योजना के लिए सरकार ने 5,22,85,000 का प्रावधान किया है। 3 उन्नत नस्ल की बकरी का औसत मूल्य 15,000 है। सामान्य वर्ग को 12,000, SC/ST को 13,500 मिलेंगे। उत्तरी पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश राज्य कोहरे की चपेट में हैं। बिहार की बात करें तो राजधानी पटना समेत प्रदेश के 19 जिलों में घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में रविवार की सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जिससे 4 जनवरी 2024 तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। नए साल में माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। अगर आप कल यानी 1 जनवरी 2024 को नए साल में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो भक्तों की बड़ी भीड़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि यहां हर रोज रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ का आलम तो यह है कि यहां 10 सालों का रिकॉर्ड तक टूट चुका है। दरअसल इस साल यानी 2023 में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड गया है। इस साल अभी तक 97 लाख के करीब लोगों ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। देश में पहली बार केंद्र सरकार ने गहन चिकित्सा इकाई के तहत इलाज के लिए मरीज की जरूरत के हिसाब से फैसला लेने के लिए अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। आईसीयू में भर्ती संबंधी इन दिशा निर्देशों को क्रिटिकल केयर मेडिसिन में विशेषज्ञता वाले 24 शीर्ष डॉक्टरों के एक पैनल ने तैयार किया है। पैनल ने उन मेडिकल हालातों की सूची बताई है जिनके तहत रोगी को आईसीयू में रखने की जरूरत होती है। इनमें रोगी की चेतना का बदलता स्तर या यदि रोगी को सांस लेने में मदद की जरूरत जैसी बातें शामिल हैं। शाहरुख खान की डंकी रिलीज के एक दिन बाद से ही प्रभास की सालार से मुकाबला कर रही है। डंकी उतना कारोबार नहीं कर पाई जितने की उम्मीद की जा रही थी। फिल्म की कमाई भले ही सालार से कम हो, लेकिन शाहरुख की फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है। फिल्म की कहानी फैंस को दिल छूने वाली लगी है। फिल्म के अब तक के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 29.2 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी के साथ फिल्म ने पहले हफ्ते में 107.22 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वहीं अब इसके 10वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है, जो 9वें दिन के मुकाबले कुछ बड़ा है।
अर्जेंटीना के नवनिर्वाचित धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जेवियर माइली ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होने की योजना से हाथ खींच लिया है। उन्होंने कहा, इस ब्लॉक में अर्जेंटीना की सदस्यता के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है। ब्रिक्स में औपचारिक रूप से शामिल होने से महज 3 दिन पूर्व माइली ने सभी देशों को यह जानकारी देकर चौंका दिया। पश्चिम के साथ घनिष्ठ संबंधों को आगे बढ़ाने के अपने अभियान के वादे को पूरा करते हुए माइली ने 22 दिसंबर को एक पत्र लिखा, लेकिन इसे अब जारी किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए साल की शुभकामनाएं दी। पुतिन ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत और रूस के बीच संबंध गतिशील रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पुतिन ने पिछले वर्ष में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण प्रगति और द्विपक्षीय सहयोग को स्वीकार किया। रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों की सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश में जुटी सरकार ने दिशा निर्देशों पर मसौदा प्रस्ताव सार्वजनिक किया है। इसमें स्टेशनों और ट्रेनों में यूजर फ्रेंडली तकनीकी के विस्तार पर जोर दिया गया है, जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच और पिक्टोग्राम जैसी सुविधाएं शामिल है। इससे दिव्यांगजनों के लिए सुनकर या तस्वीरों के जरिए सुविधाओं का लाभ उठाना आसान होगा। व्यक्तिगत आय तथा कॉरपोरेट कर संग्रह बढ़कर मार्च तक 19 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। इस दौरान केंद्र में नरेंद्र मोदी 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इससे लोगों के लिए अनुकूल कर उपाय करने के अधिक अवसर मिलेंगे। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपए रहा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह अभी तक 20% बढ़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर कीमतों पर लगाम लगाई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, अगर भारत बड़े पैमाने पर रूस से कच्चे तेल की खरीद नहीं करता तो वैश्विक स्तर पर इसकी कीमतें 30 से 40 डॉलर तक बढ़ सकती थी। S&P ग्लोबल के अनुसार, भारत ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के दौरान पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के दौरान बड़े पैमानों पर कच्चा तेल खरीदा था। रिपोर्ट में अनुमानित करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन की खरीद के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा से भारत और रूस के संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि जयशंकर 25 से 29 दिसंबर तक रूस यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव, उप प्रधानमंत्री और उद्योग व्यापार मंत्री डेनिस मंटूरोव से व्यापार और आर्थिक मुद्दों, ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक संबंधों और दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बहुविपक्षीय सहयोग सहित वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी और पूंछ जिलों में हाल ही में सैन्य वाहनों पर हुए हमलों को देखते हुए 50 और एडवांस बुलेट प्रूफ वाहन भेजे गए हैं। इससे सैन्य जवानों को जंगल में छिपे आतंकियों को सफाया करने में मदद मिलेगी। सीमावर्ती राजौरी और पूंछ जिलों में एडवांस बुलेट प्रूफ अर्माडो वाहनों की संख्या बढ़ने से सेना अब पहले से और सुरक्षित हो जाएगी। ये बुलेट प्रूफ लाइट स्पेशलिस्ट वाहन विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बनाए गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर में अब तक इन्होंने इक्विटी में कुल 66,135 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उदारीकरण के बाद निवेशकों ने भारतीय बाजार में निवेश की शुरुआत की थी, तब से अब तक किसी एक महीने में यह सर्वाधिक निवेश है। इससे पहले दिसंबर 2020 में कोरोना के समय सर्वाधिक 62,16 करोड़ का निवेश हुआ था। रेलवे ने मुथु पंडी राजा ने राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रचते हुए 61 भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने कांटे के संघर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार पदक जीतने वाले सर्विसेज के गुरु राजा पुजारी को पराजित किया। एम राजा ने कुल 279 किलो वजन उठाया, जो राष्ट्रीय कीर्तिमान है। उन्होंने इस भार वर्ग में शुभम की ओर से स्थापित 272 किलो के रिकॉर्ड को तोड़ा। गुरु राजा ने 273 किलो वजन उठाया। एक व्यस्त दिसंबर के बाद प्राइमरी मार्केट में अगले सप्ताह कोई नया आईपीओ नहीं खुलेगा, यानी नए साल 2024 के पहले हफ्ते में कोई नया आईपीओ इश्यू नहीं खुलेगा। हालांकि 7 एसएमई कंपनियां शेयर एक्सचेंजों पर लिस्ट होगी। जिन कंपनियों के शेयर अगले हफ्ते एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होंगे, उनमें बालाजी वॉल कंपोनेंट्स, समीर एग्रो एंड इंफ्रा, AIK पाइप्स, आकांक्षा पावर, HRH नेक्स्ट सर्विसेज, मनोज सिरेमिक, KC एनर्जी शामिल है। भारत के प्रमुख शहरों में कुछ ब्रांडेड होटलों के कमरे के चार्जेस 31 दिसंबर के लिए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। ये होटल इंडस्ट्री के लिए 2023 के शानदार अंत का संकेत है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार सिक्स सेंसफोर्ड बरवाड़ा के कमर्शियल डायरेक्टर रजत गीरा के अनुसार इनबाउंड टूरिज्म बढ़ रहा है, जो अब तक काफी स्थिर रहा है। घरेलू यात्री देर से बुकिंग करते हैं और इंटरनेशनल पर्यटकों के आने के चलते रेट काफी बढ़ गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार भारत में शेयर बाजार के निवेशकों की संख्या 31 दिसंबर 2022 को दर्ज किए गए आंकड़ों के मुकाबले 2023 के अंत तक 22.4% अधिक हो गई है। शेयर बाजार निवेशकों की संख्या 8 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। 25 दिसंबर 2023 तक निवेशकों की कुल संख्या 8.49 करोड़ हो गई है, जो 31 दिसंबर 2022 को 6.94 करोड़ थी। आंकड़ों के अनुसार 8 महीने में निवेशक आधार 7 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ हो गया। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। पीएम मोदी के मन की बात का यह 108वां एपिसोड था। इस एपिसोड में पीएम मोदी ने कई अहम बातों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने मन की बात में अपने संबोधन के दौरान लोगों से संवाद किया और कुछ नई और रोचक बातें भी शेयर की। उन्होंने सवासियों को नए साल 2024 की शुभकामनाएं दी।
गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कड़ाके की ठंड में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों को 26 जनवरी में होने वाले परेड की तैयारी करते हुए देखा गया। हर बार परेड के दौरान राज्यों की झांकियां निकाली जाती है, ऐसे में इस बार झांकियों को लेकर काफी बवाल मच गया है। कहा जा रहा था कि पंजाब और दिल्ली के बाद केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रस्तावित झांकी को खारिज कर दिया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर आई है। भारत के मशहूर तबला वादक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जाने माने तबला प्लेयर पंडित भवानी शंकर अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर को खुद पंडित भवानी शंकर के परिवार ने कंफर्म किया है। 30 दिसंबर यानी शनिवार को उन्होंने 67 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। माँ वैष्णो देवी के भक्तों के लिए जरूरी खबर है। नए साल पर माँ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ वैष्णो देवी धाम में उमड़ रही है। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्राइन बोर्ड ने नई व्यवस्था की है। अब लोग दर्शन पर्ची देखकर माँ को दर्शन नहीं कर पाएंगे, बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु को स्पेशल स्टिकर वाला RFID कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्ड को बिना श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में इनकी इस यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वह यह 21वीं सदी का भारत है। इस भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो विश्व में भारत के सनातन वैभव और विकास दोनों का डंका पीट रहे हैं। अब 14 तारीख को राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या अपने लिए ज्ञान यात्रा निकाल रहे हैं, यह तो वह तय करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अयोध्या में सनातन के लिए मंदिर के लिए स्थापित कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शशिकांत मिश्रा, नौशद राजा, नूनू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब बिहार सरकार की किस योजना का लाभ उठा रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।